Hello friends, welcome to AK Online Classes. In this session, I am going to discuss about parallel lines. आज के इस लेक्चर में हम लोग पैरेलल लाइंस पे हम लोग बात करेंगे. तो आइए हम लोग समझते हैं कि पैरेलल लाइन होता क्या. लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझें कि लाइन होता क्या है. इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो ज्योमेट्रिकल फिगर हमें मिलती है उसे हम लोग लाइन कहते हैं. अगर ये पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन अगर कर्व हो तो हमें जो लाइंस मिलेगी वो कर्व लाइन मिलेगी. ये कर्व लाइन हो गया, कर्व लाइन ये हो गया आपके पास स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ये तो लाइन थी. जब पैरेलल लाइंस पे हम बात करते हैं तो पैरेलल का मतलब होता है, इसका हिंदी में एक मीनिंग होता है समांतर, समानांतर. जब इस वर्ड को हम ब्रेक करते हैं जिसका तो हमें मिलता है समान प्लस अंतर. That means अंतर, that means डिफरेंस, एंड समान that means इक्वल. तो पैरेलल लाइंस कहता है कि दो ऐसा लाइन जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल हो, तो वैसे लाइन दो लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहेंगे. पैरेलल लाइन का हम यहां पे डिफिनेशन देखेंगे. पैरेलल लाइन द लाइंस said to be parallel whose difference are equal. Then these lines are known as parallel lines. जैसा कि दो यहां पे लाइन मैंने ड्रा किया, इसके बीच का डिफरेंस दैट मीन्स ये डिफरेंस, इसका सपोज मैं ये मेजरमेंट करता हूं तो डी मीटर आता है. यहां पर जब मैं ड्रा करूंगा तो भी डी मीटर ही आएगा, ठीक है. या फिर हम x मान लेते हैं, x मीटर, जहां पे d इज इक्वल टू x होगा, तब हम दोनों लाइंस को क्या कहेंगे, पैरेलल कंडीशन में है, ठीक है. अब हम लोग पैरेलल लाइंस के कुछ प्रॉपर्टी पे हम लोग बात करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर वन,
that they cannot intersect to each other. कुछ एंगल इसके बीच में बनेगा, जैसा कि ये दोनों कंडीशन में मैं अगर कह रहा हूँ कि इंटरसेप्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स ये 90 और ये 90, दोनों 90 डिग्री यहाँ पे मैंने बना दिया। जब 90 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है, मतलब कि ये दोनों लाइन हमेशा ऐसे ही पैरेलल कंडीशन में रहेगा, एक दूसरे को कभी इंटरसेप्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्शन का कंडीशन कब बनता है, जैसे कि मैं कहूं कि एक लाइन इस तरह से जा रहा है, दूसरा लाइन इस तरह से जा रहा है। कहने का मतलब कि इसके बीच का एंगल 60 डिग्री में ले रहा हूं और इसके बीच का एंगल मैं 80 डिग्री ले रहा हूं। इस कंडीशन में कहीं ना कहीं जाकर ये इंटरसेप्ट करेगा। यहाँ 80 नहीं होगा, यहाँ पे 120 होना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा कि 120 यहाँ पे क्यों ले रहे हैं हम। तो आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर दो मैंने लाइन लिया और दोनों लाइन पैरेलल है, तब इसके बीच में जितने भी इंटरसेप्टिंग लाइन मैं जो ड्रा कर रहा हूं ये भी पैरेलल तब होंगे जब ये एंगल के बराबर होगा, ये आपस में बराबर होगा, तभी तो ये होंगे, ठीक है। तो ये सभी लाइन पैरेलल कंडीशन में होंगे। जैसा कि कोई भी एक रेफरेंस लाइन मैं बनाता हूं, कोई भी एक रेफरेंस लाइन मैंने बना लिया, एक लाइन ये मैंने ड्रा किया, सपोज ये 60 डिग्री का है, इसी के पैरेलल एक और लाइन हमें ड्रा करना है, तो वो भी 60 डिग्री इंक्लाइंड पे ही हम ड्रा करेंगे, तब दोनों पैरेलल कंडीशन में होगा और तब हम कह पाएंगे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, चूंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन होने का कंडीशन, इसका करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन में भी हम मेंशन कर सकते हैं कि दो लाइन पैरेलल हम तब कहेंगे, कंडीशन नंबर 1, इसके बीच का डिफरेंस, दैट मींस इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, और सेकेंड कंडीशन, इसके बीच का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, दैट मींस करस्पोंडिंग एंगल, दोनों का इक्वल होगा। ये सिंपल सा बात हम उसमें लिख के और हम मेंशन करके हम आगे बढ़ जाएंगे, तो इसका ये कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगा। अब हम लोग पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच कुछ एंगल से रिलेटेड हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि मैं कहूं कि दो लाइन मैंने ड्रा कर लिया, दोनों पैरेलल कंडीशन में है, और दोनों पैरेलल कंडीशन में होने के बाद एक और लाइन मैंने लिया जो कि दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तब इस कंडीशन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने बने, तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एंगल्स नंबर 1, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, ये 6, ये 7 और ये 8। सबसे पहली तो बात ये है कि हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पर का एंगल जो होता है 180 होता है, ठीक है। ये फर्स्ट
फर्स्ट पॉइंट 180 होता है। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, अगर इसे मैं डिवाइड कर दूं, ये तो 180 ही होगा, एंगल वन एंगल टू। तो एंगल एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग लिखेंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कहेंगे। मतलब कि लीनियरली कोई एंगल बना हुआ है, अगर उस एंगल को मैं डिवाइड करता हूँ कोई इंटरसेक्टिंग लाइन के थ्रू, जब उसे हम इंटरसेक्ट करेंगे तो दो एंगल में डिवाइड हो जाएगा, और जब दो एंगल में वो डिवाइड हो जाएगा तो उन दोनों का सम भी 180 होगा, और स्वाभाविक भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले 180 बन रहा था, इंटरसेक्ट करे या ना करे उससे क्या मतलब, यहाँ पर तो 180 बनेगा ही बनेगा। तो ये दोनों का सम 180 जो हुआ, ये एक अलग प्रॉपर्टी बन गया जिसे हम लोग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं। खैर, अब इनमें हम रिलेशन हम लोग देखते हैं। ये एंगल वन और एंगल टू, यहां पर तो यही कंडीशन बन रहा है, तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सपोज एंगल वन को मैं एक्स डिग्री में कर रहा हूं, तो ये कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये दोनों को मैं सम करता हूं तो 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा और 180 डिग्री आपके पास बचेगा। तो यहाँ पे दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। जब मैं इस लाइन को एक स्ट्रेट लाइन में कंसीडर कर रहा हूं, तब इसमें ये जो एंगल होगा ये भी तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यहाँ पे तो फॉलो होगा। जब यहाँ पे हम फॉलो करेंगे तो ये है 180 डिग्री माइनस एक्स, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस एंगल को, तो 180 डिग्री माइनस एक्स ये इसका एंगल था, और 180 डिग्री में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल 180 डिग्री में से 180 डिग्री यहाँ पे ये कट जाएगा और ये एक्स बचेगा, यानी कि ये एक्स डिग्री। आप देख रहे हैं ये और ये दोनों इक्वल हो चुका है। जब ये दोनों अपोजिट साइड का एंगल इक्वल हो गया तो उससे हम ये कह सकते हैं कि ये वाला भी तो इसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस एक्स, ये एंगल इसके इक्वल। तो अगर दो लाइन हम इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा, जो कि वर्टिकल होगा अपोजिट, वो इक्वल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये तो ये चार एंगल का ये बात हो गया। अब इससे इसमें क्या रिलेशन है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात हम लोग क्या हम समझे कि करस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल हो गया, ये करस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल हो गया तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर तो एक ही लाइन है तो हम करस्पोंडिंग कैसे दिखा सकते हैं, तो हाँ हम करस्पोंडिंग दिखा सकते हैं। आप ये दोनों को पैरेलल मान चुके हैं और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों का करस्पोंडिंग दैट मीन्स एंगल वन प्लस एंगल फाइव जो होगा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव होगा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव, ये करस्पोंडिंग एंगल प्रॉपर्टीज है, अभी यहां पे हम बता चुके हैं। तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव दैट मीन्स अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये एक्स है तो इसका वर्टिकल अपोजिट से ये भी एक्स होगा, और ये एंगल आपका 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री होगा। देन ये एंगल आपके पास जो होगा 180 डिग्री माइनस एक्स, ये आपका ये वर्टिकल अपोजिट, जैसा ऊपर बना वैसा ही नीचे बना, ठीक है। तो इसी को अलग अलग प्रॉपर्टी बनाकर हम बताते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो एक इंट्रोडक्शन पूरा क्लास का मैं यहाँ पे दे चुका हूं, अब एक एक कॉन्सेप्ट को हम बारी बारी से टू द पॉइंट हम लोग चलते हैं। जिसे हम लोग थ्योरम में भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, तो बुक्स में तो थ्योरम्स लिख चुका है, बट यहाँ पे हम बारी बारी से प्रॉपर्टी ही लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ
properties of parallel line. Suppose L1, L2 are the parallel lines and M1 is the transversal line चलिए तो प्रॉपर्टी नंबर वन हम लोग देखते हैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर वन दो लाइन पैरेलल है इसके बीच में एक लाइन ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है ये आपका एम है ये आपका एल है एल वन ये आपका एल टू है ये एंगल वन ये एंगल टू लीनियर पेयर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर वन को हम लोग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी भी हम लोग कह रहे हैं जिसमें एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है सेकंड प्रॉपर्टी में बात करते हैं प्रॉपर्टी करस्पोंडिंग एंगल करस्पोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी में ये दो पैरेलल लाइन है ये इसका ये है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ठीक है एंगल ये अल्फा है ये बीटा है कुछ भी मान सकते हैं आप तो यहां पर अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा होगा ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया थर्ड प्रॉपर्टी पे हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी थ्री वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी ठीक है वर्टिकल एंगल प्रॉपर्टी ये एंगल अल्फा है ये एंगल डेल्टा है तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल डेल्टा होगा ये तीन प्रॉपर्टी हो गया अब इन तीनों प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन को करते हैं ताकि ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो चलिए जैसे कि मैं कह रहा हूं ये दो पैरेलल लाइन है ठीक है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया ये ट्रांसवर्सल लाइन एम है ये पैरेलल लाइन एल वन और ये एल टू हो गया यहां पे ये एंगल मैं 30 ले चुका हूं 30 डिग्री दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ
किस एंगल? तो डायरेक्ट हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्टिकल एंगल प्रॉपर्टी, इस एंगल को हम x मान चुके हैं। x डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे 30 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। अगर ये एंगल खोज रहा होता, ये एंगल आपका y डिग्री, तो अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, और अगर इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहता तो फिर ये जेड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर प्रॉपर्टी एंगल 30 डिग्री प्लस जेड डिग्री इज इक्वल टू, ये जब वैल्यू दे रखा हो तो एंगल नहीं दिखाते, 180 डिग्री, एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री, 150 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, करस्पोंडिंग एंगल हो गया। अब हम लोग इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल पे हम बात करते हैं। एक इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी आती है। सबसे पहला जो आएगा वो आपका अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। और सेकेंड जो आता है मेरे पास वो है सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी में पहले तो ये समझे कि अल्टरनेट एंगल हम लेंगे कैसे, और वो भी इंटीरियर। देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो यहां मैं बनाता हूं, ये दो पैरेलल लाइन है, इसका इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट, ये एक तरफ का ये एंगल हुआ तो दूसरे तरफ का ये एंगल हुआ, ये अल्टरनेट दैट मींस अगर एक साइड का ये मैं ले रहा हूं तो दूसरे साइड का ये लेना होगा, और तब दोनों को मैं कह रहा हूं ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी में इसे सपोज मैं ए डिग्री में लिख रहा हूं, इसे बी डिग्री, तो ये दोनों इक्वल होगा, ए डिग्री बी डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों आपका अल्टरनेट इंटीरियर है। सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, ये दो एंगल का सम 180 होना चाहिए, और कौन कौन सा, तो इस केस में ये सपोज ये मैं सी ले रहा हूं, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा,
यही इसका सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, अब इन दोनों का प्रूफ मैं देखता हूँ। लेकिन एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जैसे इंटीरियर एंगल हुआ वैसे ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में भी एक प्रॉपर्टी हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो वो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी उसका जो होगा एक्सटीरियर एंगल के केस में। एक्सटीरियर दैट मीन्स ये तो अंदर का हो गया जो भी एंगल है, तो इंटीरियर का रहा है, मतलब कि बाहर वाला जो एंगल होगा अल्टरनेट दैट मीन्स एक साइड का मैं ये ले रहा हूं तो दूसरे साइड का ये वाला एंगल होगा, ये दोनों भी इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी सेम ही है, ये एक्सटीरियर के केस में हुआ, एक इंटीरियर के केस में होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में हम समझते हैं। तो चलिए, ये सपोज इस केस में मैं कह रहा था इन अल्टरनेट, ये था x डिग्री, ये था y डिग्री और ये था आपका c डिग्री। हम मान ले रहे हैं ये दोनों एंगल को इक्वल कर रहे हैं, वो कैसे? तो सबसे पहले बात, ये मेरे पास x डिग्री था, वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये हमारे पास x डिग्री हो गया। जब ये x डिग्री हो गया और ये करस्पोंडिंग एंगल से दोनों लाइन वर्टिकल, दोनों लाइन पैरेलल तब होंगे जब उसके करस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो, दैट मीन्स x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री। तो हम करस्पोंडिंग एंगल से हम लिख सकते हैं x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री, तो x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। और एक्सटीरियर के केस में ये देखो, ये एंगल जो होगा, ये एंगल इसके इक्वल मैं कह रहा हूं, ये एंगल इसके इक्वल कैसे होगा तो देखते हैं। ये एंगल से वर्टिकल अपोजिट से एंगल सी हो गया, तो ये भी एंगल सी होगा। जब ये एंगल सी हो गया तो करस्पोंडिंग क्या बना, इसके करस्पोंडिंग हम ये ले रहे थे तो इसके करस्पोंडिंग हम ये लेंगे तो ये सी है, तो ये भी सी डिग्री होगा। तो आ गया, ये भी सी डिग्री था, तो सी डिग्री इक्वल टू सी डिग्री, इक्वल हो गया। तो यही दो प्रॉपर्टी थे लिस्ट बचे हुए। अब एक जगह पे मैं लिख देता हूं इसे समराइज करके ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसा कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये एंगल वन, ये एंगल टू, ये एंगल थ्री, ये एंगल फोर, ये एंगल फाइव, ये एंगल सिक्स, ये एंगल सेवन, ये एंगल एट। तब कैसे कैसे होगा? पॉइंट नंबर वन, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, ये वर्टिकल अपोजिट से होगा। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, तो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर होगा, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। फिर एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सेवन, एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सेवन, एंगल सेवन। एंगल सिक्स इज इक्वल टू एंगल सिक्स इज इक्वल टू एंगल एट। ये सारे के सारे वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण ये इक्वल हो गया। नेक्स्ट, करस्पोंडिंग एंगल से अब देखने वाले हैं, एंगल वन इज इक्वल टू दूसरा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सिक्स, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सिक्स, तो फिर एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल एट एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सेवन, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सेवन। नीचे वाला लेंगे तो नीचे वाला होगा, ऊपर वाला लेंगे तो ऊपर वाला होगा। ठीक है, तो ये चार जो एंगल इक्वल हुआ ये किसके कारण?
तो ये आपका हो गया करस्पोंडिंग, करस्पोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी के कारण। अब रेस्ट हम बचा हुआ देख रहे हैं तीसरा नंबर। हम लोग अल्टरनेट एंगल को देखते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर के केस में इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर में एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, और ये आपका अल्टरनेट एंगल के कारण ये हुआ। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कारण कौन कौन सा होगा। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल सेवन और एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एट, ये आपका एक्सटीरियर एंगल के कारण हुआ। और अल्टरनेट एंगल, ठीक है, तो ये सारे एंगल हो चुके हैं तकरीबन, ठीक है। तो यही कुछ पैरेलल लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।